हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर योरसेल्फ। मैं हूं महबूब आलम। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में एक फोटो गैलरी कैसे लगा सकते हैं, जिसमें आप अपना फोटोज को स्टोर करके अपने वेबसाइट पे रख सकते हैं और यूजर को दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप भी अपने पहले वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाइए। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। फिर उसके बाद से आपको जाना है प्लगइन के ऑप्शन पे, एड न्यू, यहाँ पर आपको एक प्लगइन का नाम सर्च करना होगा जिसका नाम है गैलरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा प्लगइन का ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है। हम लोगों को जो प्लगइन चाहिए वो ये वाला है, तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसे एक्टिवेट भी कर देता हूँ। तो जी, ये अब एक्टिवेट भी हो चुका है। आप इसका लोगो यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए। तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिएगा अलाउ कंटिन्यू पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कैसे यूज करना है। आप अगर ये वाला वीडियो को देख लीजिएगा तो आप सीख पाइएगा कि इसको कैसे यूज करते हैं। मुझे पता है ये प्लगइन को कैसे यूज करते हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा ऐड गैलरीज के ऑप्शन पे। फिर उसके बाद से आपको क्लिक करना है ऐड न्यू के ऑप्शन पे। और यहाँ पर अपना गैलरी का जो भी नाम देना है आप देख सकते हैं, जैसे कि शादाब मैं दे देता हूँ, ठीक है। और स्लग भी आप कुछ भी चाहे दे सकते हैं, इसको मैं शादाब में दे देता हूँ। और गैलरी कंटेंट टाइप स्टैंडर्ड ही रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए रिव्यू इमेज के लिए है, तो पहले तो छोड़िए, इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड इमेज नाम से, इसको क्लिक कर लीजिएगा इमेज को ऐड करने के लिए। यहाँ पर देखिए अपलोड फाइल, इसको क्लिक कीजिएगा, ब्राउज, और आपका ब्राउज करके आपका फोटो जहाँ पर भी है उसे यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे ये पिक चाहिए, ये वाला है, कंट्रोल से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी। तो मैंने यहाँ पर 5 फोटो को सिलेक्ट किया है और ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 5 फोटो को यहाँ पर ऐड किया है। अब मैं सिलेक्ट कॉल पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर ऐड सिलेक्ट इमेज टू गैलरी पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 फोटो यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस फोटो का आप जो भी टाइटल रखना चाहे रख सकते हैं, जैसे कि इसका नाम है श्रेया घोषाल, ठीक है। आपका फोटो का जो भी टाइटल रखना चाहे आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टाइटल रख लिया है, और यहाँ पर आप अगर चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन भी रख सकते हैं, मैं नहीं रखने वाला हूँ फिलहाल। फिर उसके बाद से अगर आपका फोटो कोई भी पहले दिखलाना है तो आप इसे कुछ ड्रैग करके कुछ इस तरह से ऊपर ला सकते हैं, यानी कि ये फोटो अब पहले दिखेगा, ठीक है। अब मैं ये 5 फोटो को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो आप यहाँ पर मैं सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सेव कर लेता हूँ। तो जी, यहाँ पर ये अब सेव हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं शादाब नाम का एक नेम का एक गैलरी है, यानी कि एक एल्बम है,
इसके अंदर पांच कंटेंट है यानी कि फोटो है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं थंबनेल, अगर आप इसके अंदर थंबनेल लगाना चाहते हैं यानी प्रीव्यू इमेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एडिट के बटन पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर देखिए प्रीव्यू इमेज का एक ऑप्शन है, इसको क्लिक कीजिए और आपको जो भी अपना प्रीव्यू इमेज बनाना है बना सकते हैं। जैसे कि मैं इसी को बना देता हूँ ऐड इमेज सेव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका प्रीव्यू इमेज ये आ चुका है, ठीक है। तो मुझे इस गैलरी को अपने मेन्यू बार पे दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अलग से एक पेज बना लेता हूँ, पेज के ऑप्शन पे जाके। Add new, यहाँ पर इसका टाइटल रख देता हूँ मैं फोटो गैलरी। ठीक है, विजुअल यहाँ पर देखिए इंसर्ट फोटो गैलरी का एक ऑप्शन, इसको क्लिक कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए गैलरी का एक ऑप्शन है ऑल गैलरीज का, ठीक है। तो मैंने एक ही गैलरी बनाया है अभी शदाब नाम से, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर और इंसर्ट के बटन में क्लिक कर लेता हूँ। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐड हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसे पब्लिश कर लेता हूँ। तो जी ये पब्लिश हो चुका है, अब मैं लौटता हूँ अपने वेबसाइट पे। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ पर एक फोटो गैलरी नाम का एक ऑप्शन अवेलेबल होगा जिसमें मेरा फोटो होगा, ठीक है। तो इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो गैलरी नाम का एक ऑप्शन आप यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है, यानी कि एक नेविगेशन बार यहाँ पर आ चुका है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पांच फोटो है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप अपने वेबसाइट में फोटो गैलरी को ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी अगर विजिटर को इस फोटो का अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर वो आई बटन पर क्लिक करेगा तो इसका आपको टाइटल दिखेगा, ठीक है। आप इसे स्लाइड शो भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको इतना नहीं करके बताने वाला हूँ, आप कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा कैसा इसका सेटिंग है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक और बताता हूँ कि इस फोटो गैलरी को आप और एक जगह कहाँ लगा सकते हैं। इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, तो होम पे जाता हूँ। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस फोटोज को आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं, इसके लिए लौटिए अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे और जाना है आपको अपीयरेंस पे, विजेट्स पे, यहाँ पर देखिए फोटो गैलरी का एक विजेट ऑप्शन अवेलेबल है, जिसको आप ड्रैग करके कुछ इस तरह से यहाँ पर ला सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका पहले से टाइटल है फोटो गैलरी, यहाँ से आपको नया एल्बम आप चूज कर लीजिएगा शदाब, ठीक है। सेव लौटता हूँ अपने वेबसाइट पे, इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फोटो गैलरी का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर ये बेसिकली इतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना कि नेविगेशन बार पे लग रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी अपना मेन्यू बार पे फोटो गैलरी को लगाइएगा, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि फोटो गैलरी को अपने वेबसाइट पे कैसे लगाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं चैनल पे इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ, जैसे कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताता रहता हूँ, प्रोग्रामिंग सिखाता रहता हूँ और भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ।
तो अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इन सब वीडियो को मिस ना कर पाए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।